नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। लोकसभा के सांसद पद से पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा केंद्र से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को सांसद पद खारिज किए जाने के बाद महुआ मोइत्रा पहुंची सुप्रीम कोर्ट। घूस लेकर लोकसभा सदन में प्रश्न करने के आरोप में लोकसभा के एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर स्पीकर ओम बिरला ने सदन में वोटिंग कर महुआ मोइत्रा को सस्पेंड कर दिया था। इसे निर्णय को चैलेंज करते हुए महुआ मोइत्रा गई सुप्रीम कोर्ट। पश्चिम बंगाल में आए केंद्रीय प्रतिनिधि दल को जगह जगह रोक कर प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले दिन बीरभूम जिले में और दूसरे दिन बांकुड़ा जिले में केंद्रीय प्रतिनिधि दल को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। केंद्रीय योजनाओं की जांच पड़ताल के लिए केंद्रीय प्रतिनिधि दल पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों का परिदर्शन कर रिपोर्ट इकट्ठा कर रही है और इसी दौरान ग्रामीण अपने अधिकारों से वंचित होने की शिकायत लेकर केंद्रीय प्रतिनिधि दल को रोक कर उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति की मांग पर 1000 से अधिक दिनों तक प्रदर्शन में बैठे परीक्षार्थियों के 7 सदस्यीय एक प्रतिनिधि दल ने राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के साथ मुलाकात की और अपनी वही पुरानी मांगे शिक्षा मंत्री के समक्ष रखी। परीक्षार्थियों की मांग है कि सारी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद उन्हें 8वीं, 9वीं और 10वीं में पढ़ाने के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया था, फिर उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही है। ये बैठक राज्य शिक्षा मंत्रालय के विकास भवन में की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी फिर राज्य सरकार का बकाया रुपए केंद्र सरकार द्वारा रोके जाने पर मोदी सरकार पर उन्होंने फिर से हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि 7000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने रोक रखे हैं। उन्होंने हमलावर होते हुए कहा कि पैसे दो या तो गद्दी छोड़ो। बकाया रुपए की मांग पर ममता बनर्जी 18, 19 और 20 दिसंबर को दिल्ली जाएंगी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार कालीघाट के काकू उर्फ सुजय कृष्ण भद्र को अस्पताल में देखने पहुंचे ईडी के अधिकारी। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टरों से मिलकर बातचीत की। जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कालीघाट के काकू का कई मामलों में बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। ये ठंड बंगाल के पहाड़ी इलाकों में और अधिक बढ़ेगी। सोमवार को कोलकाता में न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस नापा गया, जबकि दार्जिलिंग शहर में 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापा गया है। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में 10 इंटरनेट केबल लैंडिंग स्टेशन बनने जा रहा है, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए निवेश होने की उम्मीद है। इंटरनेट परिसेवा की क्वालिटी बेहतर करने के लिए राज्य भर में केबल लैंडिंग स्टेशन का कार्य 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। आईटी सूत्रों का कहना है कि इस योजना के पूरा होने से नेपाल, भूटान और पूर्वी भारत के राज्यों को लाभ पहुँचेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस, आवर मिशन। नमस्कार। राज्य से जुड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय श्री श्याम एग्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, चक्की फ्रेश आटा, आटा माने ही श्याम एग्रो आटा। विजुअल एड हो या डिजिटल एड, पब्लिक टाइम्स आपके लिए लेकर आया है पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। यहाँ एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर की गाइडलाइन में बनाए जाते हैं विजुअल और डिजिटल एड बिल्कुल रीजनेबल रेट पर। सो कॉन्टैक्ट पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। कॉन्टैक्ट नंबर 9332185842। आप हमसे ईमेल आईडी के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है publictimes2011@gmail.com। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।